मैंने आज तक अगर 1,000 केस भी लेट्स पोस्ट किया ना, मुझे रियल टाइम हैकिंग का केस कोई नजर नहीं आया। ये मैं एक बींग लॉयर जिसने बड़े बड़े केसेस किए हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। रियल टाइम इसलिए नहीं आया सर, सारी इंफॉर्मेशन तो हमने खुद दी होती है। सालगिरह हम खुद 12 बजे काटते हैं, सेलिब्रेटिंग विद द केक, ठीक है। जगह हम अपनी खुद बताते हैं, सिटिंग विद फ्रेंड्स। वालिद साहब का नाम हम खुद बताते हैं, विद फादर, विद मदर, क्लोज रिलेटिव्स का नाम हम खुद बताते हैं, बर्थडे की डेट ऑफ बर्थ, हर चीज तो हमने पोस्ट की होती है। फिर हम कहते हैं हमारा डाटा लीक हो गया। भाई डाटा नहीं लीक हुआ, तस्वीरें तो आपने खुद लगाई ली थी, इमेजेस आपने खुद लगाई ली थी। सो दिस इज बेसिकली वेयर यू मेक मिस्टेक्स। देखिए एक सोशल मीडिया अकाउंट पे ना, जब आपके साथ एक स्ट्रेंजर ऐड होगा ना, उसके लिए मालूम काफी नहीं है कि वो आपके खिलाफ कुछ भी कर ले। ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रॉड कमिट कर सकता है, कोई ब्लैकमेलिंग कर सकता है, कुछ और कर सकता है, जो भी उसको ही फील्स कि ये उसको करना चाहिए इन ऑर्डर टू ट्रैप यू।